तो कई सारी चीजें ना, अगर हम लॉजिकली और थ्योरेटिकली बात करें तो हम कहेंगे ये एंटी है, लेकिन प्रैक्टिकली कई चीजें किसी कॉन्टेक्स्ट में एंटी नहीं रह जाती, वो फ्रेंडली हो जाती है। ये वो माइन्यूट डिटेलिंग है जहां पर आप बचा के ले जाते हैं क्लाइंट को। अगर थंब रूल्स पे चलेंगे तो फिर आप रूल आउट कर देंगे, फिर आप कहेंगे कोई ऑप्शन नहीं बची, ये तो एंटी है, मांगे ये तो गड़बड़ हो गया। लेकिन अगर आप स्वभाव से चलेंगे तो आपको समझ में आएगा कि नहीं, इस वाले केस में बच सकता है। 8 और 9 कंप्लीटली एम्प्टी है, 8 और 9 कंप्लीटली एंटी है एक दूसरे के प्रति। क्यों? क्यों? 8 पूरी तरह से बंद है, राउंडेड है, 9 एग्रेशन ओरिएंटेड है, ठीक है। 9 कहता है नीचे अपने हाथ से कंप्लीट करो, फिनिश करो, और 8 कहता है नहीं, फिनिश नहीं, परफेक्शन। 8 में दो गोले हैं, दोनों तरफ जॉय, दोनों तरफ कंप्लीशन, 0 ऑल्सो डिनोट्स कंप्लीशन। तो वो कहता है कि नहीं, पूरा काम हो जाएगा अच्छे से फिट, तब आगे बढ़ेंगे। और 9 कहता है कि जो जैसा हो गया निपटा के अगले पे चलो। दो डिफरेंस हो गए। तो जब अधिकारों की बात आएगी, कोई जस्टिफिकेशन की बात आएगी, मजदूर यूनियन की बात आएगी, हाँ, तो 8 और 9 एक साथ मिलकर खड़े हैं। 1-0 तो इसमें भी है, उसमें भी सर पे 0, इसमें भी सर पे 0, इतना तो लेके बैठे हैं। पर ये नीचे आके भी 0 ही है, और वो उधर तीर बना लिया उसने, तो अगर गाड़ दूंगा तो वहां पर जब वो लंबा चलेगा केस, एग्जीक्यूशन की बात आएगी, तो ये दोनों अलग हो जाएंगे। फिर काम करने के सलीके अलग हैं, वो अग्रेसिव है, वो गर्म दल है या ठंडा दल है।